हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो आई बिलीव आप सभी को पता होगा कि अभी रात 12 बजे से ही अमेज़ॉन पर फ्लिपकार्ट प्राइम डे सेल शुरू हो रही है। वाह, अमेज़ॉन पर प्राइम डे सेल शुरू हो रही है रात के 12 बजे से। आई होप आप सभी को ये चीज़ पता होगी वैसे तो। लेकिन होता क्या है, जब भी सेल आती है ना, काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन्स होते हैं जहाँ पर एक्चुअली में काफ़ी सॉलिड डिस्काउंट मिल रहा होता है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कुछ स्मार्टफोन्स में जहाँ पर डिस्काउंट को फेक किया जाता है। मतलब पहले प्राइस बढ़ा देते हैं, सेल आने पर वापस से नॉर्मल प्राइस कर देते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट मिलता है जो कि बिल्कुल ही यूजलेस है, जिनको नहीं परचेस करना है। तो एक्चुअली में कौन सा फ़ोन आपको इस सेल में परचेस करना है जिस पर डिस्काउंट मिल रहा है, और कौन से फ़ोन्स को आपको टोटली इग्नोर कर देना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बट दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आप इस सेल का फायदा तभी उठा पाओगे जब आप अमेज़ॉन पर प्राइम मेंबर होगे। दूसरा, अगर आपके पास HDFC बैंक के कार्ड्स हैं तो आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर नहीं है और कुछ परचेस करने का सोच रहे हो तो HDFC बैंक का कार्ड जुगाड़ कर लेना, उससे काफ़ी अच्छा काम बन जाएगा। बट हाँ, अभी फिलहाल बिना कोई डैमेज किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो इस लिस्ट का जो सबसे पहला स्मार्टफोन है, ये फ़ोन जब से लॉन्च हुआ है ना, तब से इस फ़ोन का मतलब हाइप बिल्कुल बरकरार है और 20,000 की प्राइस में ये फ़ोन मतलब कंटिन्यूसली मिलता हुआ जा रहा है। फ़ोन का नाम है Redmi Note 10 Pro Max, लेकिन इस बार इस सेल के अंदर यहाँ पर आपको 1,000 रुपये का कूपन मिलने वाला है। पहली बात तो फ़ोन की प्राइस सीधा 19,000 हो गई। HDFC का कार्ड वगैरह यूज़ करोगे तो और 10% का डिस्काउंट, मतलब 18,000 तक की प्राइस में ये फ़ोन आपको पड़ेगा। तो अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर आपकी डिस्प्ले एक प्रायोरिटी है, अगर आपको एक अच्छा खासा प्रोसेसर चाहिए, एक अच्छा खासा मतलब इन हैंड फील बिल्ड क्वालिटी अगर आपकी एक अपर मोस्ट प्रायोरिटी है, देन डेफिनेटली आप इस फोन को ग्रैब कर सकते हो इस सेल में। नेक्स्ट फोन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपको नहीं परचेस करना है। डिस्काउंट देख के लगेगा काफ़ी सॉलिड मिल रहा है, लेकिन आज के टाइम पर वर्थ नहीं करता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में बात की जा रही है। वैसे 24-25 हज़ार की प्राइस में आई नो लॉन्च हुआ था, डिस्काउंट किलर है, 20,000 की प्राइस में मिल जाएगा अभी, बट नहीं वर्थ करता है यार। मैं पर्सनली मतलब मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। M51 की जगह अगर आप सैमसंग गैलेक्सी F62 जो कि फ्लिपकार्ट पर मिलता है, और वो फ़ोन भी 24,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, और फ्लिपकार्ट पर वो फ़ोन अभी फ़िलहाल 17,250 की प्राइस में मिल रहा है डिस्काउंट को यूज़ करके। ज़्यादा बेटर कैमराज है, अच्छी डिस्प्ले है वहाँ पर भी, बैटरी आपको सेम मिलेगी, परफॉर्मेंस आपको थोड़ी ज़्यादा बेटर मिल जाएगी F62 में। ऑल्दो है एक्सिनस चिपसेट, लेकिन बेटर परफॉर्मिंग प्रोसेसर डेफिनेटली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो F62 ज़्यादा बेटर डील है M51 के कंपैरिजन में। और वैसे फ्लिपकार्ट पर भी सेल चल रही है और उसका भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो नीचे लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन देखो, अगर आपको परचेस सैमसंग का ही फ़ोन करना है, बट अगर आप अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो, देन एक और स्मार्टफोन है जिसमें काफ़ी सॉलिड डिस्काउंट मिल रहा है, जो है सैमसंग गैलेक्सी A72। 35,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था ये स्मार्टफोन, अभी सेल में आपको 27,500 की प्राइस में पड़ जाएगा। ऊपर से HDFC का कार्ड यूज़ करोगे तो आई गेस उससे भी कम की प्राइस में पड़ जाना चाहिए। मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आप इस फोन की तरफ जाओ, क्योंकि स्नैपड्रैगन 720G ऑनेस्टली बताऊं तो 27,000 की प्राइस को नहीं डिजर्व करता है, लेकिन परफॉर्मेंस को साइड में रख के अगर देखा जाए तो ओवरऑल काफी प्रीमियम स्मार्टफोन है। A सीरीज का है तो प्रीमियम होना तो बनता ही है। यहां पर आपको OIS का फीचर मिलेगा, IP67 की रेटिंग के साथ आता है, टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है। ओवरऑल मतलब फोन की बिल्ड, इन हैंड फील सब कुछ काफी अच्छी है। मतलब पर्सनली मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, ऑल्दो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी फिलहाल इस फोन से, लेकिन हाँ है काफी अच्छा स्मार्टफोन। मैंने इस फोन का भी रिव्यू किया हुआ है। वैसे इस पूरी लिस्ट में जितने भी फोन मैंने पर्सनली यूज किए हैं, सभी के रिव्यू करें, सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। बाकी तो देखो यार, अगर आप 27-28 हज़ार तक खर्च करने का सोच ही रहे हो और सीन कुछ ऐसा है कि नहीं भाई मुझे इतना प्रीमियम नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है, देन मी 11X भी एक स्मार्टफोन है जो कि कंटिन्यूसली 30,000 की प्राइस में मिलता है, लेकिन इस सेल में ये फ़ोन आपको फ्लैट 2,000 के डिस्काउंट के साथ 28,000 की प्राइस में मिल जाएगा। HDFC का बैंक का डिस्काउंट तो है ही, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के हिसाब से एकदम किलर स्मार्टफोन है, बिकॉज स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है, तो काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। साथ ही में आपको अच्छी खासी डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगी। कैमराज का जो इतना मैंने अभी तक रिव्यू पढ़ा है, लोग इतना सेटिस्फाइड कैमरा परफॉर्मेंस से नहीं है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी के साथ
मैं एक और फोन यहाँ पर मेंशन कर दूँ, मी 11X में जो कमी थी कि कैमरा वगैरह इतना अच्छा नहीं है, वो कमी आपको IQ7 में पूरी होते हुए दिख जाएगी। वो थोड़ा सा महंगा है, मतलब 32,000 की प्राइस में जनरली मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा और इस सेल में, मतलब डिस्काउंट इन द सेल 2,000 का कूपन आपको मिलेगा, तो 30,000 की प्राइस में पड़ जाएगा। ऊपर से बैंक वगैरह का डिस्काउंट यूज़ करोगे तो मी 11X से थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन कैमरा भी अगर आपकी प्रायोरिटी है देन IQ7 के कैमराज काफ़ी अच्छे हैं, आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। और प्रोसेसर सेम ही है, Snapdragon 870, तो परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कैमराज भी अच्छे हैं, डिस्प्ले भी अच्छी है, तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग IQ7 ज़्यादा बेटर डील है मी 11X के कंपैरिजन में। बट एनीवेज यार, अगर आप अपना बजट इतना एक्सटेंड नहीं करना चाहते और मिड रेंज में ही अगर गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। हाँ, Snapdragon 800 सीरीज का प्रोसेसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको Snapdragon 700 सीरीज का काफ़ी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा, वो भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ। IQ Z3 के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। 20,000 की प्राइस में जनरली फ़ोन देखने को मिलता है, 1500 का कूपन मिल जाएगा, ऊपर से HDFC बैंक का डिस्काउंट भी है, तो काफ़ी अच्छी प्राइस में ये फ़ोन आपको पड़ जाएगा। Snapdragon 768 एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है जिससे आप गेमिंग तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से खेल सकते हो। मैंने इस फ़ोन को भी पर्सनली यूज़ किया हुआ है इसलिए बोल रही हूँ। कैमराज भी अच्छे हैं, थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ फ़ोन की जो थोड़ा सा डील ब्रेकर बन सकती है वो है फ़ोन की डिस्प्ले। IPS LCD पैनल है, ऊपर से वाटर ड्रॉप नॉच शेप का दिया हुआ है, तो ये थोड़ी सी वियर्ड चीज मुझे लगती है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के हिसाब से तो काफी सही स्मार्टफोन है, उस हिसाब से डेफिनेटली आप इस डील को ग्रैब कर सकते हो। बाकी तो देखो यार, अगर आप इनमें से कोई भी फोन परचेस करने का सोच रहे हो अपने लिए, तो सभी के बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाके इन फोन्स को चेकआउट कर सकते हो। बट खैर, जो अगला स्मार्टफोन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सेम फोन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है सेम ही डिस्काउंट के साथ। Realme X7 के बारे में बात हो रही है, जनरली 20,000 की प्राइस में मिलता है, लेकिन सेल में 19,000 की प्राइस में मिल रहा है, हजार रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है दोनों ही जगह पे। लेकिन यहां पर डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, अगर आपके पास ICICI बैंक का कार्ड नहीं है, फ्लिपकार्ट पर ICICI बैंक के कार्ड्स पर ऑफर मिल रहा है, तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस फोन को Amazon पर भी परचेस कर सकते हो HDFC का कार्ड यूज करके। अच्छा स्मार्टफोन है, मतलब AMOLED पैनल है, 5G चिपसेट है, Dimensity 800U और साथ ही में मतलब अच्छे खासे कैमराज है, इन हैंड फील काफी अच्छी है, तो हाँ ये भी अच्छा स्मार्टफोन है, आप इसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बाकी इन सब के अलावा अगर आपको 15,000 तक की प्राइस में सेल में कोई फोन लेना है, देन Samsung Galaxy M32 एक फोन है जो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि 15,000 का था, सेल में फ्लैट 1,000 डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, 14,000 की प्राइस है, ऊपर से HDFC बैंक का डिस्काउंट वगैरह यूज़ करोगे तो कम की प्राइस में पड़ जाएगा। देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो इतना अच्छे से मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन चाहे आप डिस्प्ले देखो, कैमरा देखो, बैटरी देखो, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है, तो आप इसको डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो अगर परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो। अगर परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है देन Redmi Note 10S, ये भी 15,000 का ही है, यहाँ पर भी आपको 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो Amazon पे बैलेंस में मिलेगा, तो 14,000 तक की प्राइस में आई बिलीव ये फ़ोन आपको पड़ जाएगा। अच्छा स्मार्टफोन है क्योंकि MediaTek Helio G95 चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाएगी, इसमें भी AMOLED पैनल वगैरह ही है, तो आप इसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो वैसे देखो अभी तक तो मैंने आपको जितने भी स्मार्टफोन बताया ना, वो सारे कहीं ना कहीं मिड रेंज प्राइस सेगमेंट के स्मार्टफोन थे, लेकिन अगर आपको अपर मिड रेंज या फिर प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन परचेस करने हैं देन Amazon प्राइम डे सेल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि काफी अच्छे खासे कूपन्स मिल रहे हैं यार। जैसे कि OnePlus 9 सीरीज को आप देखो, OnePlus 9 में 4,000 का कूपन आपको मिल रहा है, 9 प्रो के अंदर आपको 7,000 रुपीज का कूपन मिल रहा है, Samsung Galaxy S20 FE जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है Snapdragon चिपसेट के साथ, वहां पर 6,000 का कूपन मिल रहा है, IQ7 Legend जो कि 40,000 का फोन है वहां पर भी आपको 3,000 का कूपन मिल रहा है। इसी तरह से मतलब iPhones वगैरह आप देखोगे तो वहां पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट या फिर कूपन्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन लेने हैं तो आप सारे फोन्स को चेकआउट कर सकते हो, सभी में कुछ ना कुछ डिस्काउंट कूपन्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। बाकी तो आई होप कि ये ओवरऑल वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कौन से फोन है जो आपको परचेस करने चाहिए इस सेल में और कौन से नहीं परचेस करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।